राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव के लिए आज मतदान जारी है। दिल्ली के करीब 1.5 करोड़ वोटर 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सुबह 8 बजे मतदान शुरू होने के बाद पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। इसी बीच दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने नगर निगम चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है, जिसकी वजह से वे वोट नहीं डाल पाए। हमारे संवाददाता राघवेंद्र ने उनसे खास बातचीत की, जरा सुन लीजिए किस तरह से वे अपना दुख बयां कर रहे हैं, इसके साथ ही लोकतंत्र को लिए ये बड़ा खतरा बता रहे हैं। तो अभी खबर आ रही है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? पूरी तरह से इलेक्शन आयोग ने अनाउंस कर दिया कि मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा और मेरी वोट शिफ्ट हुई है। अफसोस ये, मुझे खुद नहीं पता कि वोट किसने शिफ्ट कराई है। और नियम ये कहता है कि किसी को शिफ्ट करानी होती है फॉर्म भरना होता है, साइन करना होता है, खुद जाके जमा करना होता है। और 2020 और 2019 में मैंने वोट डाला है, लेकिन वोट अब नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन सवाल मेरा नहीं, सवाल तो ये है कि पूरी दिल्ली से कंप्लेंट आ रही है, खासतौर से उन क्षेत्र से कंप्लेंट आ रही है जो माइनॉरिटी बाहुल्य एरिया है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, जिनको शायद भाजपा अपना दुश्मन समझती है, क्योंकि ये लोग सवाल पूछते हैं और अरविंद भी अपने चुप्पी साधे हुए हैं। तो सवाल ये कि अब जवाब दे सरकारों को, आखिर क्यों हुआ ऐसे, क्यों लोगों को रोका जा रहा है? केवल इसके लिए अकेली बात नहीं, मानते हैं कि इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। 100% ये सरकारें जिम्मेवार है, और स्वाभाविक है भाजपा सत्ता में बैठी है तो भाजपा जिस तरह से शाम दाम दंड भेद अपना करके सत्ता तक पहुंचना चाहती है उसका एक बड़ा उदाहरण है। हम इलेक्शन आयोग के खिलाफ, परिसीमन के खिलाफ कोर्ट में गए, इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, हमने कहा हम जनता की अदालत में जाएंगे, लेकिन आज जनता की अदालत में भी जनता को फैसला लेने से रोका जा रहा है। तो अभी आपके परिवार के हमारे साथ ये मौजूद थे, मेरा वोट नहीं कांग्रेस। तो यहाँ आपने देखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, उनकी पत्नी हालांकि वोट डाल चुकी है, लेकिन अभी उन्होंने बताया कि इलेक्शन द्वारा मुझे बता दिया गया है कि हो चुका है कि वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि उनका वोट जो है वो शिफ्ट हो चुका है। इनखबर चैनल को सब्सक्राइब करें।